आज का टॉपिक है बच्चों एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम, कायरल सेंटर। ये तीनों एक ही चीज है बच्चों, और इसको समझने के लिए बोर्ड पर नजर रखना होगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम, कायरल सेंटर, है ना। ये सब छोटा छोटा टॉपिक अगर आप समझ गए बच्चों तो ये पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लिया किसी कंपाउंड को लेते हैं, लैक्टिक एसिड को लेते हैं, है ना। सी एच थ्री है, ओ एच है, एच है, सी डबल ओ एच है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड, है ना। अब हम लोग देखते हैं सेंटर में कार्बन है, और कार्बन के अगर चारों तरफ, यानी कार्बन का वैलेंसी चार होता है, चार बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और चारों बॉन्ड में अलग अलग एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उस कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे या चायरल कार्बन एटम कहेंगे, है ना। अब इस कार्बन को देखते हैं, मिथाइल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, यानी ए जो है कार्बन चार डिफरेंट आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम से सिचुएटेड है, बाउंडेड है, ऐसे कार्बन को हम लोग कहेंगे कायरल कार्बन आइटम और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और ऐसे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा, है ना। और किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक नहीं होता है, एक से अधिक भी होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग देखते हैं। जैसे है बच्चों सी डबल ओ एच है, ओ एच है, एच है, ओ एच है, एच है, सी डबल ओ एच है, एक कंपाउंड का नाम है टार्टेरिक एसिड, है ना। अब बच्चों हम लोग देखते हैं जिसमें दो कार्बन सेंटर है ना। इस कार्बन को देखते हैं, वन ग्रुप ऑफ एटम, टू ग्रुप ऑफ एटम, थ्री ग्रुप ऑफ एटम, और ये हो गया फोर ग्रुप ऑफ एटम, यानी एक कार्बन कायरल कार्बन एटम हो गया। दूसरा को देखते हैं, इसमें अगर आ जाते हैं तो वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, और ये फोर हो गया, ये कार्बन कायरल, यहां लिख दीजिए कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल सेंटर। तो आपसे पूछेगा कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है, तो हम लोग यही बताएंगे, इफ कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ फोर डिफरेंट एटम और या ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, है ना। हम लोग लिखते हैं इफ कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ फोर एटम विथ डिफरेंट, कर दीजिए डिफरेंट फोर एटम और ग्रुप्स ऑफ एन एटम इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो
तो बच्चों समझ में आया एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और मैंने पहले ही बताया बच्चों, मेरा वीडियो 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट के नीचे रहेगा, है ना। लेकिन आपको आसानी से हर चीज समझ में आएगा इसमें बच्चों। और रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है रेसमिक मिक्सचर, इनैंसियोमर्स, डिस्टेरियो आइसोमर्स और बहुत सारा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।